नमस्कार, आप सब देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं एक बार फिर आपके साथ सारिका साहू लेकर आई हूं कुछ खास। नमस्कार, मैं हूं भारत भूषण, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। माध्यमिक विद्यालय आर्य बाजार में जो कोविड-19 का अस्पताल चल रहा है वो विवादों के घेरे में है, कई सवालों के घेरे में है। सवाल नंबर एक, जैसे ही लखनऊ में लॉकडाउन लगता है, कैंट में सेल अपनी सीमा को सील कर देती है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाना तो क्या वहां से गुजरना भी मना होता है? यहां तक के पूर्व सैनिक भी नहीं जाते, लेकिन आज जहां अस्पताल खुला है वहां से अगर आप 100 मीटर के सर्कल लें तो सामने सैन है, उसके बगल में पुलिस चौकी है, उसके पीछे की बात करें तो सैनिक का परिवार है। थोड़ा इधर आए आप तो एक घनी आबादी है, और थोड़ा सा रोड पर आए तो आर्य बाजार, वो बाजार है जहां पर सैन और सैन के परिवार रोजमर्रा की जरूरतों को खरीदते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या अनुमति देने वालों ने इतना भी नहीं सोचा? जिस सड़क से, जिस एरिया से आम आदमी नहीं गुजर सकता था, आज वहां पर कोविड-19 के मरीज लाए जा रहे हैं, ले जाए जा रहे हैं। सवाल नंबर दो, जो हॉस्पिटल आर्य बाजार में खोला गया है, छावनी परिषद चाहता तो इसको अपने उसी अस्पताल में खोल सकता था जहां पर उसके पास अपने डॉक्टर थे, अपना सब कुछ, सारा इंसान उनके पास था, लेकिन क्यों नहीं खोला ये समस्या परे है। उनके अपने डॉक्टर थे, अगर डॉक्टर उनको अपने मिल जाते तो ये डॉक्टर हायर ना करने पड़ते, और कम से कम जो इलाज आज गरीबों की पहुंच से है, दूर है, वो कम से कम उन तक पहुंच जाता। सवाल नंबर तीन, कोविड-19 हॉस्पिटल का प्रबंधन या मैनेजमेंट जिन लोगों ने डॉक्टर सिद्धार्थ पांडे को दिया है, क्या वो उसकी डिग्री से, उसके सर्टिफिकेट से या उसका दस्तावेजों से संतुष्ट है? ये हॉस्पिटल आर्य बाजार में क्यों खुला? आइए अपने कैंट के विधायक माननीय सुरेश तिवारी से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि माध्यमिक विद्यालय आर्य बाजार में कोविड-19 हॉस्पिटल पर कई सवाल हैं, आइए बात करते हैं विधायक जी से। अस्पताल को 25 लाख रुपए दिए, यहाँ पर कंसंट्रेटर आए, मरीजों की जान बचे, मैंने कंटोनमेंट बोर्ड को दिया। इसका उद्देश्य हमारा कि हम अगर एक व्यक्ति की जान बचाने में किसी सफल हुए तो यह कार्य प्रशंसनीय कार्य है, माना जाएगा, उस काम में लगा हुआ हूँ, सेवा के काम। बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हर कोविड का इलाज फ्री होना चाहिए। नहीं, साढ़े छह हजार आपको नहीं जानकारी, इसके मतलब आप थोड़ा सा भी जानकारी कर ले। जो सरकारी अस्पतालों में भरे एडमिट हैं उनका अलग शुल्क निर्धारण है, प्राइवेट अस्पतालों में अलग शुल्क निर्धारित है, सब का शुल्क है। सरकार की मंशा है ऐसी व्यवस्था हो कि हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। पूज्य बाबा योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश में कोरोना पुनः नियंत्रण में आ गया है। आज लखनऊ शहर में कोरोना के बहुत कम मरीज निकल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो हॉस्पिटल फ्री है या सॉरी सरकारी है या प्राइवेट?
वो पीपी पीपीपी मॉडल पर बना हुआ चिकित्सालय है। उस चिकित्सालय में जब ये कोरोना की आफत आई थी, ऑक्सीजन का हाहाकार मचा हुआ था, ऐसे समय पर कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ से और अन्य लोगों से, वहां के सभासदों से वार्ता हुई कि यहाँ पर एक जनहित में ऐसा चिकित्सालय बन जाना चाहिए जहाँ लेवल वन, जहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। अगर हम किसी एक व्यक्ति की जिंदगी बचा सकते हैं तो काम होना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में कंट्रोलमेंट बोर्ड ने वह पीपीपी मॉडल पर वह अस्पताल का संचालन कराया। सर, हॉस्पिटल का तो आपके पास से दाखिल हो रहा है? नहीं, भी हाँ, क्योंकि मैंने तत्काल वहाँ घोषणा की थी कि मैं 25 लाख रुपए देता हूँ। ये थे माननीय विधायक सुरेश तिवारी जी, जो कैंप से संबंधित है। चलिए आगे की चर्चा लोगों से करते हैं। आपने माननीय विधायक जी को सुना, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब विवाद कहाँ होता है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जैसा कि अभी आपने देखा विधायक जी की बातों को सुना, और जहाँ तक डीओ साहब की बात है, मैं डीओ साहब से बता दूं कि मैंने अलग बात की थी तो उन्होंने कहा मैक्सिमम 6,500 रुपया पर डे हम ले रहे हैं, जिसमें खाना इंक्लूड नहीं है, ऑक्सीजन इंक्लूड नहीं है, जिसमें बेड इंक्लूड नहीं है। वजूद इसके कि 6,500 किस बात का है। आइए एक विकास शर्मा, जो कि जिनके एक अपने रिलेशन में कोई भर्ती थे, उनसे बात करते हैं। विकास जी, क्या क्या प्रॉब्लम हुई? एक्चुअली ये हमारे रिलेटिव थे, मैं उनको ले जाके भर्ती कराया। हाँ। तो पहले तो हमको ये नहीं बताया गया कितना पैसे लगेगा। हाँ। उसके बाद में फर्स्ट दिन मुझे ये बोला गया कि 8,000 रुपये जमा। आपने भर्ती किसको कराया? हमारे रिलेटिव हैं, हमारे राकेश शर्मा। हाँ। कहाँ रहते हैं वो? यहाँ चिन्हट में रहते हैं, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, सुल्तानपुर गोसाईगंज। आप बताइए। तो उनको मैं लाके यहाँ एडमिट कराया, उसके बाद में उनका एक ही बेटा है, उसकी मदर नहीं है और अकेला लड़का है, बेरोजगार था। तो हमने फिर हमको नंबर मिला कहीं से कि प्रमोद शर्मा जी के थ्रू ये सब कार्यक्रम चल रहा है। तो हमने प्रमोद शर्मा जी को फ़ोन किया, हमने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है और जो भी हो सके उस बच्चे के लिए कर दीजिए। तो हम मुझसे बोलने लगे आप कौन हैं, इनके क्या हैं, और कौन बोल रहे हैं? प्रमोद शर्मा जी कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, क्या है? तो हमने कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है। तो बोले कि अभी यही खड़े खड़े आपके खिलाफ़ मुकदमा लिखवा दूँ। तो हमने कहा भैया हमें अपने काम से मतलब, आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? ये बात हुई उनसे। पैसे आपसे भी अभी नहीं? अच्छा, कोई रसीद दिया? नहीं, कोई रसीद नहीं दी। जैसा कि अभी विधायक जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैंने आदेश कर दिया है कि जो भी तीमारदार या जो भी मरीज आते हैं आपके, तो उन्हें रसीद अवश्य दी जाए ताकि वो अपने विभाग में क्लेम करके पैसे वापस ले सके। लेकिन ऐसा अभी संभव नहीं हुआ है। हालांकि मैं जानना चाहता हूं कि जो जहां पर ऑक्सीजन प्लांट लग सकता है, बेड आ सकते हैं, डॉक्टर हायर हो सकते हैं, और यहां तक के आपके पैरामेडिकल के लोग आ सकते हैं, तो एक छोटी सी रसीद क्यों नहीं बनी? आइए बात करते हैं हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष अमरेश मिश्रा जी से। अमरेश मिश्रा जी, आपने इस बाबत विधायक जी को अवगत कराया था? नहीं, मैंने अवगत कराया था। हमने कहा कि माननीय विधायक जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में ये चल रहा है कोविड हॉस्पिटल, और माननीय राजनाथ सिंह के आवास से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ पर क्षेत्रीय जनता को इसका लाभ मिले। माननीय राजनाथ सिंह के आवास से 2 किलोमीटर की दूरी पे है,
यहाँ पर क्षेत्रीय जनता को इसका लाभ मिले। सक्षम लोग भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो सक्षम नहीं हैं, तो गरीब जनता को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा चार्जेस होंगे तो गरीब जनता इसका लाभ नहीं उठा पाएगी, वो अपने घर में ही अपने पेशेंट रखेगी, हो सकता है कि उसका पेशेंट जो है दुनिया चला जाए। हम लोग तो गरीबों के लिए भी काम करने वाले हैं। गरीब मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि गरीबों का इलाज जो है अगर सक्षम नहीं है तो सरकार अपने खर्चे पर कराएगी। तो ये जो है मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जो है जो गरीब लोग हैं जो मतलब जो है जिनको सुविधा नहीं पा रही है उनको ढूंढते हैं, उनकी सहायता के लिए दिन रात लगे रहते हैं। अभी जब आप इनके साथ गए थे, हालांकि आप भी बीजेपी में हैं, पूर्व मंडल के हैं, तो क्या आपकी इतनी अप्रोच नहीं है कि आपको कुछ नहीं? अप्रोच है, अप्रोच का ये असर ये हुआ है कि वहाँ पर ये याद हुआ है कि आज शाम को वो जो है पूरा रिकॉर्ड देंगे, 7 बजे शाम को बुलाया गया है। अप्रोच का असर है कि वो आज शाम को पूरा रिकॉर्ड बनाकर इन्हें देंगे, लेकिन वो क्या करेंगे जो अभी डिस्चार्ज होकर चले गए, जिन्होंने भारी रकम इस अस्पताल को दी है, उनके साथ न्याय कैसे होगा? कैमरामैन दानिश के साथ मैं भारत भूषण, उदित राज न्यूज, लखनऊ। नहीं हम इस वक्त अस्पताल में भर्ती जो थे राकेश शर्मा, उनके घर पर आए हुए हैं जानने के लिए हकीकत के माध्यमिक विद्यालय में आखिर आर्य बाजार में इनके साथ क्या क्या हुआ, आइए देखते हैं। क्या नाम आपका? राकेश शर्मा। आप COVID-19 में हॉस्पिटल भर्ती थे? अच्छा, क्या परेशानी थी वहाँ? हाँ, आपको क्या परेशानी थी? COVID-19 जो हुआ था मैं सांस फूल रही थी, सांस लेने पर परेशानी हो रही थी, ऑक्सीजन कम हो रही थी। कितने दिन रहे वहाँ पर? चार दिन। चार दिन में कितना रुपये दिया आपने? 28,000। कोई रसीद दी आपको उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं दिया। आते समय रोक भी रहे थे कि अभी 4 दिन और रुक जाओ, अब तुम्हारा पैसा कुछ कम करेगा, 5,500 रुपये भी नहीं है। फिर हमारे पास पैसा नहीं था, हम रुक नहीं पाए, एडमिट कराए, फिर ऐसे दवा लेके आ गए। 8,000 रुपये ICU सहित उन्होंने दिए पर डे, यानी 24,000 रुपये दिए बिना ICU मतलब बिना ऑक्सीजन के 4,000 रुपये इन्होंने पर डे के हिसाब से दिए। अब इनके पास पैसा नहीं था इसलिए ये वापस आ गए। आपने सुना राकेश शर्मा जी को? जब ये जानकारी के लिए हम DO साहब के पास गए और डॉक्टर सिद्धार्थ पांडे जी के पास गए तो उन्होंने हम पे एलिगेशन लगा दिया कि आप एक आदमी की बात सुनकर हम पर आ गए हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं था, हमारे पास और भी एविडेंस थे। आइए दिखाते हैं आपको कुछ। इस वक्त RK भुसिया जी के घर आए हैं जो कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद 18 दिन तक उसी हॉस्पिटल में भर्ती रहे। आइए बात करते हैं उनकी बेटी से। बेटा क्या नाम है आपका? सुना है आपने अपने पिताजी का 18 दिन इलाज कराया, कहाँ पर कराया? तो खाना में टेंट में, कोविड सेंटर है टेंट में, वहाँ पे 18 दिन तक एडमिट है। क्या चार्ज दिया आपने? ऑक्सीजन पे जब थे तब 6,500 रुपये पर डे का था। और फिर लगभग 4-5 दिन वो नॉन ऑक्सीजन पे रहे तो उसका 3,500 रुपये बेड का चार्ज। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती थी जो बाहर से मंगवाते थे, बाकी तो वहीं से ही सारी दवाई आती थी बाहर से। रोज की लगभग 500-600 रुपये की दवाई अगर रहती थी तो वो बाहर से आ जाती थी, बाकी सारे इंजेक्शन वगैरह वहाँ के लगते दवाई।
कोई और जाने वाला आपका व्यक्ति था वहाँ पर जो नहीं, कई लोग थे आपस में, एक दो लोग थे जो जानने वाले थे, वो भी वो हफ्ते भर के लिए 10 दिन के लिए ऐसे हुए थे। बाकी सबसे हाँ सबसे सेम चार्ज था ऑक्सीजन का। रसीद दी आपको? रिसीप्ट अभी नहीं दी है उन्होंने, अभी नहीं दी है। मतलब क्या तारीख को डिस्चार्ज हुए आप? हम 18 तारीख को 30 तारीख को सी 30 को हुए थे एडमिट और 17 तारीख को डिस्चार्ज हुआ। रेडी आइए हम आर के भूषे जी से बात करते हैं। भूषे जी कैसी तबीयत है आपकी? पहले से काम बैठे लगभग कितना पैसा खर्च कर सकते हैं? पैसा तो ये ₹1.5 लाख मतलब 6,500 बेड का था, ऑक्सीजन बेड ठीक है, और नॉन ऑक्सीजन 3,500। रेडी ऐसे ही एक मरीज जो माध्यमिक विद्यालय आर्य बाजार में भर्ती हुआ 30 तारीख को और 17 तारीख को उसका डिस्चार्ज हुआ। हालांकि उन्होंने कहा कि हमने बिल नहीं मांगा, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि किसी को बिल दिया भी नहीं गया। ठीक, एक दो बार उन्होंने कहा जरूर, लेकिन बिल नहीं दिया गया। आइए बात करते हैं सुजीत के पापा से। हाँ, क्या नाम है सर आपका? मैं रमेश प्रसाद हूँ। आपका बच्चा कब तक भर्ती? मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और दम सीरियस हो गया था, जो कि दम वहाँ रहने लायक नहीं था, ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी। तो हम बच्चे को लेकर गए 30 तारीख को, अब भर्ती कराया, करीबन 70 से नीचे हमारे बच्चे का सांस वो था, भर्ती कराया हमने और वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, अच्छा वो दिया। और नहीं, पैसे कितने लिए आप? पैसे हमारे से रोज़ के ऑक्सीजन के हिसाब से 6,500 लिया जाता था, और जब वहाँ से ऑक्सीजन उसका हट गया करीबन एक हफ्ते के बाद, तो 3,500 रुपये हमसे लिया जाता था। अब बाकी जो मेडिसिन का था, जो बाहर से परचेज, बाकी तो मेडिसिन वहाँ देते थे, लेकिन जो वहाँ नहीं होता था वो हमको बाहर से परचेज करना पड़ता था। लगभग कितने की मेडिसिन आपने ले ली होगी? हमने वहाँ से 3,500-3,000 रुपये के बाहर से मेडिसिन लिया हो। चलिए बच्चे से बात, बिल मांगा आपने कभी? बिल का हमने जो कहीं क्लेम करना नहीं था, तो हमने जरूरत नहीं पड़ा हमें बिल का। किसी को दिया उन्होंने आपके सामने? अब हमारे सामने किसी को दिया नहीं, ऐसे वो रजिस्टर में एक एंट्री करते थे, उनके पास परमानेंट छपा हुआ बिल भी नहीं था, एक बुक में एंट्री करते थे बस नाम। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। भर्ती थे आप? जी 30 तारीख से 17 तारीख तक मैं एडमिट हुआ। आपने बिल की कभी डिमांड नहीं करी? नहीं, मैं तो बीमार था, मुझे इतना वो भी नहीं था। हालांकि इस विवाद को लेकर हमने छावनी परिषद के लगभग 5 पार्षदों से बात की, हालांकि उन्होंने बिल तो जताया लेकिन कैमरे में आने को मना कर दिया। उन्होंने साफ कहना था कि हमने राजनीति करनी है, हम कैमरे के सामने आकर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारे पूर्व उपाध्यक्ष छावनी परिषद रतन सिंह गानिया जी ने हमारी बात को सुना और हमारे सवालों का उत्तर दिया। हम इस वक्त छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष श्री रतन सिंह गानिया से बातचीत करेंगे। आइए बात करते हैं सर जी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आर्य बाजार माध्यमिक विद्यालय में एक कोविड प्रोसीजर उसका ऐसा है कि मुख्य शासी अधिकारी और डीओ जो कि सेम पोस्ट पर हैं जी, विकास बिश्नोई जी, उनसे हमारी वार्तालाप हुई थी इसको लेकर कि हमको भी छावनी में कैसी फैसिलिटी अवेलेबल करानी चाहिए जिससे कि आम जनता को थोड़ी राहत मिले। इसको लेकर हमारे पूर्व उपाध्यक्ष प्रमोद शर्मा जी ने माननीय विधायक जी श्री सुरेश चंद तिवारी से बात की, उनसे लगभग 25 लाख रुपए विधायक निधि से निर्गत कराने का वादा किया, लेकिन समय पर वो पैसे नहीं मिले हम लोग को। फिर भी छावनी परिषद मुख्य शासी अधिकारी ने जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक महीने की अपने कर्मचारियों की सैलरी को रोककर उपरोक्त अस्पताल का संचालन कराने हेतु कदम उठाया।
बस सारे ने कदम है तो मेहमान ने लगा तो। जी जी लेकिन जिस तरह आप जानते हैं कि 6,500 रुपये लिए जाए और आपको भी पता होगा। हाँ मैंने सुना है कि आप मुझे बताएं सुविधा क्या क्या देने था आपको फ्री सुविधाएं वहाँ पर जैसे बेड है बेड हमारे छावनी परिषद द्वारा अवेलेबल है। ऑक्सीजन प्लांट जो है वो हमारी छावनी परिषद द्वारा है। यदि विधायक निधि भी उसमें लगी है तो विधायक निधि भी छावनी परिषद को मिल चुकी है तो छावनी परिषद कर रहा है। जो खाना वगैरह दे रहे हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है वो PPP मॉडल पे आधारित है। शिकारी से कुछ शिकायतें आई है कि लोगों ने भारी भरकम रकम दी है उन लोगों को क्योंकि उनके अगर कहीं क्लेम करें तो उसके लिए उनके पास प्रॉपर बिल नहीं है। नहीं नहीं आप थोड़ा सा आपके गलत फहमी है थोड़ी सी लोगों को। एक्चुअली में क्या है कि अचानक से हमने हॉस्पिटल स्टार्ट किया बिल बुक जो है छावनी परिषद कार्यालय स्वयं छपवाएगा और संबंधित पेशेंट को अवेलेबल कराएगा ताकि वो कोई सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हो कि सब निःशुल्क होगा उनसे क्लेम करें। इसके लिए बिल बुक हमारी छपने गई हुई है। जहाँ तक मुझे सूचना है कि 1-2 दिन में बिल बुक आ जाएगी और संबंधित फर्म को अवेलेबल करा दी जाएगी और 6,500 या 3,500 किस मद में और कैसे लिए जा रहे हैं उसकी पूरी डिटेल बिल के ऊपर अंकित होगी। नहीं जैसे कि अभी 72 लोग जा चुके हैं कुछ लोग आउट ऑफ स्टेशन नए बाहर से भी आए हैं क्या वो आपको लगता है कि बिल लेने आएंगे? ये बात बिल्कुल जायज है आपकी। ये हमसे कहीं गलती हुई है छावनी परिषद से और इस चूक के लिए मैं स्वयं तो जिम्मेदार नहीं हूँ लेकिन जो भी लोग जिम्मेदार हैं वो केवल माफ़ी के अलावा कुछ नहीं कह सकते आपसे क्योंकि महामारी है। इस महामारी में अचानक निर्णय लिए जाते हैं कभी कभी ताकि लोगों की मदद हो सके। जैसे हमारी छावनी परिषद के 1-2 कर्मचारी हैं जो वहाँ पर एडमिट थे उनके लिए बिल की सुविधाएँ होनी चाहिए क्योंकि उनको तो सरकार पेमेंट करेगी तो ऐसा होना चाहिए और बिल हम बहुत जल्दी ही उनको बनवा कर देने की कोशिश करेंगे। खबर आई है कि किसी आर्मी पर्सन ने इलाज कराया था और उसको एक लेटर पैड पर लिख करके मोहर लगा के दे दिया गया। क्या लगता है इससे आपको जब तक GST नहीं होगी उसमें तब तक आपको? हम सारी बातों को लेकर DO साहब के पास पहुँचे। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसकी जाँच कराएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। आइए सुनते हैं DO को। 6 लीटर है 10 लीटर पर मिनट है या जो भी है रिक्वायरमेंट क्रिटिकल पेशेंट या मॉडरेट टू क्रिटिकल साइड पेशेंट है उसको जो पड़ेगी है उनको अलग से अगर PPP पार्टनर अपने कंसंट्रेटर लगाता तो ही कैन चार्ज रेंटल। सर डॉक्टर सिद्धार्थ की मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने कहा कि 5 लीटर से 5 से ज्यादा हम दे नहीं सकते किसने उसने मुझसे कही था नहीं बात लेकिन हाँ उनकी वर्जन पे नहीं जाऊँगा वो क्या कहे मैं जो बता रहा हूँ जो मेरा जो जितना मेरे को सीमित ज्ञान है ये है जो आप दो बातें बता रहे हैं एक तो हमारा बेसिकली एल्गोरिथम है होना तो ये चाहिए कि हमें जो पेशेंट जिनके SPO क्रिटिकल से नीचे एडमिट नहीं करना चाहिए लेकिन एक पेशेंट आता है रात को मान लीजिए तो वो कहता है मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही मेरा साथ है कृपया करके मेरे को एक दिन के लिए एडमिट कर लीजिए उसको एडमिट किया जाता है एमरजेंसी में हमारे पास क्योंकि बेड है और जनरल इंस्ट्रक्शन है कि जब तक हम किसी की मदद कर सकते कर एडमिट कर लो। हो सकता है उसको 6 लीटर भी एडमिनिस्टर करें 10 लीटर भी दे हो सकता है उसको जो सीवियर लेवल की मेडिसिन है वो भी एडमिनिस्टर करना पड़ेगा ओला डॉक्टर्स वो डॉक्टर डिसाइड करेगा वो मैं नहीं डिसाइड कर सकता किस मिनट उसको कितनी ऑक्सीजन देनी है किस मिनट कितनी देनी आप और मैं दोनों नहीं कर सकते। ठीक है नहीं अगर बाईपे पर लगाती है आप क्या मानते हैं बाईपे पे पर मिनट कितना देना पड़ेगा उसमें भी रिसर्च कर लीजिए शायद आप ज्यादा बेटर मैं डॉक्टर नहीं वेंटिलेटर पर उसको पर मिनट कितना चाहिए होगा उसका कंजम्पशन देख लीजिए अलग अलग है 2 लीटर भी हो सकता है 1 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है डिपेंड करता है पेशेंट की उस टाइम कंडीशन क्या है। जो मेरा सीमित मतलब वहाँ पर जो भी हो रहा है आपकी जानकारी में नहीं है आपके नहीं मुझे नहीं है बस टाइम आप सर माधुरी विद्यालय आर एम बाजार में हॉस्पिटल खुला हुआ जी उसमें गुंडागिर्दी हो रही है अवैध वसूली की एक तरह से कह दीजिए आप उसको कई तरीके मतलब पीड़ित बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं वहाँ पर मरीज बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं तो मैं चाहूँगा कि शायद आपको सूचना है नहीं मुझे इस बारे में कोई सूचना नहीं कोई सूचना नहीं किसी भी माध्यम से कोई सूचना क्रेडिट करता हूँ पहली बार सुन जब वो बिल मांगने गया तो उसको ये कहा गया कि चले जाओ वहाँ से लेटर लेना करो वरना अभी मुकदमा लिखा दिया तो सर वो अस्पताल इलाज करने गया है या किस आदमी की बात कर रहे हैं मैं नहीं कह सकता उसमें लेकिन ये है कि मेरे संज्ञान में एक बात नहीं है। दूसरी बात कितना पैसा लिया गया
वो अगर पेशेंट का डिटेल देंगे तो हम उसकी डिटेल वाइज डॉक्टर से वहाँ से जो भी हमारा सेंटर कोऑर्डिनेटर है उनसे मांगेंगे। और बिल क्यों नहीं दिया, अगर बिल नहीं दिया गया तो भी संदेह ऑप्शन दिया। और इससे पहले भी मैंने कई बार उनसे कहा था कि जब आप किसी इस चीज़ को यहाँ पर लेते हैं तो पैसा देते हैं, क्योंकि कुछ विभाग ऐसे हैं जो कहते हैं ना जरा लोग क्लेम हम कर देंगे, दे देंगे आप जी। तो जब उसके बाद रसीद नहीं तो क्लेम कहाँ से करेंगे? रसीद 100% देना मैंडेटरी है। हमने उनका रसीद बुक के लिए भी, क्योंकि मेडिसिन हमारे तरफ से नहीं है तो मेडिसिन जिस जो जब उसको देना होता है देना, क्योंकि डॉक्टर की विजिट के चार्ज है, उसके हॉस्पिटलाइजेशन के चार्ज 250 रुपये, 250 रुपये पर विजिट। डॉक्टर तो 40 बार जाता होगा पर चार विजिट चार्ज। दो शिफ्ट है, पैरामेडिकल स्टाफ की असिस्टेंस 24 घंटे रहती है, उसकी शिफ्ट चार्ज ही करता है। ठीक है वो फिक्स है। फूड अब चूंकि लंच डिनर उन्होंने हमें प्रिंसिपल कमिश्नर GST देने लग गई है 3 दिनों में, अब वो हम वेव कर रहे हैं, जितने पेशेंट के लिए फूड आ जाता है उतने पेशेंट का। जिनका नहीं है उनको 100 रुपये पर डाइट देना होता है, इसके बाद अगर RT-PCR कराना है, हमारे पास कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी ओपन नहीं है, प्राइवेट लैब के साथ कोलैबोरेशन है, तो जो CMO की अप्रूव्ड रेट लिस्ट है उससे ज्यादा कोई लेगा नहीं, उतने चार्जेस को ले सकते हैं। हमारी फैसिलिटी में अगर मेडिसिन कोई लगती है तो मेडिसिन के चार्जेस तो उनको देने पड़ेंगे भाई। अगर एक पेशेंट है, अगर आप नॉर्मल कोविड पेशेंट मान लीजिए नॉन ऑक्सीजन बेड पे, हो सकता है वो 250 रुपये पर डे की दवाई या 50 रुपये पर डे की दवाई में भी ठीक हो जाए, और हो सकता है एक पेशेंट है उसको 10,000 की टीके भी लगी पड़ रहे। तो ट्रीटमेंट कभी सेम नहीं हो सकता, आज कंडीशन आज तक किसी के एस्टिमेट को लेवल साफ है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताया तो आप ऐसा मरीज अपने दिखा लीजिए जिसका 6,500 रुपये पर डे नहीं लिया गया है, ये अभी आप जो कह रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ कि 250 में भी उसका इलाज चलता था, लेकिन ऐसा क्या है कि 6,500 नीचे नहीं दिया गया लेकिन ऊपर चला गया? नहीं रीजन दवाई होगी, आप बताइए ना भाई, आप पेशेंट बताइए, उसके ट्रीटमेंट का ब्यौरा दिया जाएगा आपको विद प्रूफ। अगर आप कोई पेशेंट लें, कोई एनी पेशेंट, ठीक है, आप कोई रैंडम पेशेंट उठा दीजिए, उसका टोटल बिल बताइए चार्ज पर डे। ये थे DO विकास कुमार जी, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगर ऐसी कोई बात मिलती है तो अवश्य कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन दानिश के साथ मैं भारत भूषण, उदित राज न्यूज़, लखनऊ। ये थी हमारी खास रिपोर्ट, देखते रहिए उदित राज न्यूज, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। तो ये थी हमारी आज कुछ खास बात, फिर मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप सब देखते रहिए उदित राज, मैं सारिका साहू आपसे इजाजत चाहती हूँ, धन्यवाद।